विवेक श्रीवास्तव मुझे बताइए, आपको भी लगता है लोकतंत्र खतरे में? भाई आपको तो लोकतंत्र की संजीवनी मिली हुई है, इसीलिए इस देश में टिके हुए हैं आप। देखिए जी जी जी, आप देखिए, सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि फासीवाद भारत में आ चुका है और फासीवाद बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल उसका बढ़ता जा रहा है। आप ये देखिए, हिंदू मुसलमानवाद हर जगह एक मुद्दा बन जाता है, डेवलपमेंट नहीं बनता मुद्दा। चाहे बंगाल का चुनाव हो, आप डिबेट्स को एनालाइज करिए सभी चैनलों की, मैं करता रहता हूं, तो एक ही मुद्दा आएगा आपको, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। डेवलपमेंट, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, मुद्रास्फीति, ये सब चीजें जो हैं ये हम डिस्कस नहीं करते। दूसरी बात, देश से आज किसको डरना चाहिए? हम किससे डरें? हमें डरना चाहिए तापसी पन्नू से, हमें डरना चाहिए दिशा रवि से, हमें डरना चाहिए कन्हैया कुमार से, हमें डरना चाहिए स्टूडेंट से जो जेएनयू और जामिया के हैं। तो ये जो माहौल आप करेंगे, और जैसा कि अभी प्रवक्ता ने बताया अलकला कि 98% ऑफ द केसेस जो आप करते हैं उसमें लास्ट में कुछ भी नहीं निकलता, सिर्फ तंग करने के लिए अपने विपक्षियों को आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इन संस्थाओं का मिसयूज कर रहे हैं। ये फैक्ट है, कभी एमएलएस को अपनी तरफ लाने के लिए और कभी ऑपोजिशन पे प्रहार करने के लिए। तो एक गलत तरीके का ट्रेंड चला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई है फ्रीडम के बारे में। फ्रीडम इंडेक्स के अंदर आपके देश की रैंकिंग कम हुई है। यह आपके चैनल पे कई बार बोल चुके हैं कि आपके देश के अंदर फ्रीडम जो होता है एक इंसान का, उसका इंडेक्स की जो रैंकिंग है उसमें भी भारत कहीं नीचे आ चुका है।